अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर आज मैं आपसे अपनी डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अब तक बिल्कुल भी शेयर नहीं की थी। मैं बना रही थी ताहिरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह आगे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ ख़ास नहीं, बस सिंपल ही जैसे ताहिरी बनती है मैं वैसे ही बना रही थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट होता है, बहुत सारे लोग तो यूज़ करते भी होंगे। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्हें ताहिरी खानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है चावलों के। और यहाँ पे मैं अपने बर्तनों का हाल पे आपको अपने बर्तनों का हाल दिखा रही हूँ कि क्या हाल हुआ है। लेकिन ये कि जब खाना बनाना हो तो उससे पहले ऐसे ही मेस रहता है, फिर फाइनली हम लोग बाद में जो है सब कुछ क्लीन आउट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखा रही थी कि शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था और वो इतना बड़ा जार उठा लाए थे, लेकिन मुझे शान का काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं फ्रेश का जो है घर में यूज़ करती हूँ, फ्रेश ग्राइंड कर लेती हूँ या लाइट सा चॉप कर लेती हूँ, लेकिन ये कि शान के मसाले मुझे अच्छे लगते हैं। और ये देखें टमाटर की कटिंग कितनी प्यारी हुई हुई है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कटिंग करके दी थी, प्याज की टमाटर की, और इतनी अच्छी कटिंग करते हैं ना बिल्कुल शेफ़ की तरह। बस धड़ाधड़ जो है मैं लगी हुई थी कि फ़ाइनली मैं डिनर रेडी कर लूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर चाय की भी तैयारी करनी थी। आपको पता है डिनर के बाद तो चाय का अलग ही मज़ा होता है, उसकी अलग ही एक तलब होती है। कुछ ख़ास तो स्पाइसेस मैंने नहीं डाले थे, वही डाला था जो डलता है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब डाला था मैंने। पेपरिका भी डालती हूँ मैं और दही भी डालती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा भी डाला था, बहुत अच्छी बन गई थी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी थी। यहाँ पे बस थोड़े से टमाटरों को बस मैंने सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, लगभग एक मिनट के करीब। और फाइनली तैयारी पर ही है, ये बच्चे भी अपना खेलने में लगे हैं, बस इनको दम पर रखूँगी, फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया ताहिरी का। ये मेरे हस्बैंड बिस्किट लाए थे, लोटस नाम है ना इनका, हाँ लोटस नाम है। इतने मज़े के थे ना कि दिल चाह रहा था कि बस खाए जाओ खाए जाओ। मुझे वो बिस्किट बिल्कुल भी नहीं पसंद जिनको चाय में 2 से 3 बार डिप करना पड़े तब जाके उनका टेस्ट आए, तो ये बड़े टेस्टी थे। फाइनली डिनर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और वैसे तो हम इसके साथ स्पेशली जो है वो रायता बनाते हैं, जिसमें हम लोग टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें वो दही में मिक्स करके वो यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो है मेरे हस्बैंड ने कहा जब टमाटर की चटनी ऑलरेडी रखी हुई है तो दही के साथ सिंपली जो है हम लोग यही खा लेते हैं, तो ऐसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी मैं आपको करीब से भी जो है ताहिरी के लुक दिखाती हूँ, आप लोग भी साथ साथ इंजॉय करें हमारे। बताइएगा कि आप लोग में से भी किस किस को ताहिरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी जो है बिल्कुल फेवरेट नहीं है, मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड जब फरमाइश करते हैं तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है तो मैं लाजमी बनाती हूँ। साथ साथ जो है वो बेटे को भी खिलाए जा रहे थे। और यहाँ ये देखें मैं आपको बिल्कुल जो है करीब करके दिखा रही हूँ। आप लोगों को ये मे भी बहुत स्पाइसी लग रहे हो, बट ये स्पाइसी नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे जो बेटे हैं वो भी जो है बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने उनके हिसाब से जो है ना सब नमक मिर्च वगैरह बैलेंस रखा था। यहाँ पर बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा व्लॉग, मेरी डिनर रूटीन, सिंपल सी मेरी डिनर रूटीन अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग का लाइक, आप लोग के कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं तो दिल खुश हो जाता है लिटरली। और बस इसके बाद जो है फाइनली चाय की तैयारी करूँगी मैं, और वो भी आपको दिखाती हूँ। मैं जो हूँ अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी हुई थी, तो मैं बस सोचा कि अभी खाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे ये कहने लग गए कि तुम क्यों बैठी हुई हो, तुम क्यों इंतज़ार कर रही हो, तुम भी साथ साथ खाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं खाती हूँ साथ। अब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी, अपनी
इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी और नाइट तो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की है, आगे भी शेयर करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन से व्लॉग्स मेरे देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला। अब फाइनली जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाय। और सर्दियों में तो चाय आपको पता ही है ऑल टाइम फेवरेट रहती है, तो बस यहाँ पे मैं चाय की तैयारी कर रही थी और उसके बाद चाय एंजॉय करेंगे। चाय तो बस रेडी हो चुकी है और ये देखिए बारिश हुई थी तो मैंने छोटा सा कुकर ऑफ किया था, तो मैंने उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने अलमराई का मिल्क पाउडर मंगवाया था। वैसे मैं नीडो के अलावा कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे रसमलाई बनानी हो, गुलाब जामुन बनाने हो या खोया बनाना हो, मैं सिर्फ नीडो ही यूज़ करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे तो उन्होंने कहा ये भी यूज़ करके देखो, तो आप यकीन नहीं करेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट था, सेम लाइक नीडो। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ हम लोग चाय इन्जॉय करेंगे और साथ में बिस्किट भी रखे हुए, वही वाले बिस्किट जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।